Cassava canal is not the only canal in Gonabar. There is some other canals, like about 770, if I'm not mistaken. And the old of Gonabar city is about 5,000 years ago. And if I remember something, I'll tell you. This place name, Kasbe Kunat. Yeah. 2500 years ago. Yeah. Okay. ये अभी हम जा रहे हैं नीचे जो यहाँ पे कस्बा कनात है इसके अंदर वो देख लें जी कुआं देखिए वो सामने आपको जो बाल्टी नजर आ रही है ना वो है जी नीचे कुआं इसके अंदर टोटल 427 कुएं हैं इस जगह के अंदर तो उनकी गहराई बहुत ज्यादा और इसको जब खुदाई की गई तो उस दौरान यहाँ पता चला था कि यहाँ पे जो पुरानी कुएं है ना वो सारे यहाँ पे ही हैं This is what whole I've told you. But it's true, they bring the water up on the ground. You see that? तो वो मोहतरमा कह रही कि सामने जो आपको बाल्टी नजर आ रही है उसकी मदद से पानी निकाला जाता था जमीन से आप हाँ वाटर ये जब जगह देख रही है ना इस साइड पे तो ये जगह बहुत पुरानी है यहाँ पे जो है ना इसके नीचे जेर जमीन कुएं थे पानी को इस्तेमाल करने के लिए तो यहाँ पे जब खुदाई हुई थी उस दौरान ये जो ना दरियाफ्त हुए हैं और ये इनका ऑफिस है यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है और हम इस गाड़ी के जरिए हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल जगह है बाकी अभी वहाँ पे जाते हैं जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर से क्या सीन है इस जगह को बोलते हैं कस्बा किनात बहुत पुराना है 2500 साल पहले यहाँ पे लोग जो अपना पानी निकालते हैं जेर ज़मीन से वो कुएं यहाँ पे दिखाए गए हैं उनकी तादाद जो है ना वो 427 है और उनकी टोटल जो लेंथ है ना यहाँ पे वो 33,000 कुछ मीटर है यहाँ पे ये देख लें साइडों पे व्यू और ये ईरानी लोग जितने भी है ना ये अपने इन कल्चरल जगहों को महफूज करते हैं ना कि उनको ख़त्म कर देते हैं अगर आप जो है ना कल्चर देखने का या अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक रखते हैं तो फिर आप ईरान के अंदर लाजमी चक्कर लगाएं ये सारे यहाँ पे खुदाई हुई पड़ी है ये है जी कुएं जो ईरान के अंदर 2500 साल पुराने और आगे पानी है ईरानी लोग पानी से डर रहे हैं और हम पाकिस्तानी नहीं डरते इस तरफ से हम आए हैं ये देख लें जी ये पीछे से आ रहा रास्ता काफी ज्यादा चल के हम यहाँ पे आ गए हैं और आगे जो है वो पानी है इस तरफ लोग डर रहे हैं आगे